अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। और तीनों पाना एक अरमान। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात। क्या थी गदा के ऑडिशन की कहानी? क्या डायरेक्टर थे अमीषा के परफॉर्मेंस से नाखुश? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर टू मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अमीषा पटेल जिस तरह से अपनी आने वाली मूवी गदर टू का प्रमोशन कर रही हैं, सबको एक्साइटमेंट के साथ बता रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ऑडियंस से ज़्यादा वो खुद ही मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। वैसे एक्टर्स की अपील और ऑडियंस की एक्साइटमेंट को देखकर तो मूवी काफ़ी बड़ा धमाका करेगी ये नज़र आ रहा है। सनी पाजी और अमीषा की जोड़ी फिर से एक बार देखने को मिलने वाली है। उनके फैंस के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अमीषा फिल्मी दुनिया से कब से गायब थी ये बताना भी मुश्किल हो रहा है, और अब कमबैक कर रही है काफी गैप के बाद। पर गदर एक आइकॉनिक मूवी थी जिसकी वजह से फैंस अभी तक उन्हें नहीं भूले। वैसे भी अमीषा के करियर में सकीना का किरदार हमेशा नंबर वन पर रहेगा, पर कहते हैं ना, पर्दे पर दिखने वाली हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है। काफी मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है। देखा जाए तो लंबे समय बाद मीडिया को फेस करना, सेट पर आना, ये किसी स्ट्रगल से कम नहीं, और ये चीज अमीषा ने कर दिखाया। पर क्या आपको पता है कि गदर मूवी के दौरान भी उन्हें आसानी से रोल नहीं मिला था? इस मूवी के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा कई ऑडिशंस दे रही थी। लगभग 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया, पर फिर भी कोई उन्हें पसंद नहीं आई और वह काफी परेशान थे। ऑडिशन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि एक बड़ी एक्ट्रेस ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उन 500 लड़कियों में अमीषा का ऑडिशन बेहतरीन रहा, उन्हें सेलेक्ट किया गया। अमीषा आज भी कहती हैं कि गदर टू मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसकी वजह से बॉलीवुड में मुझे पहचान मिली। मैं अपने हर किरदार और मूवी के लिए 100% से कम मेहनत नहीं करती, क्योंकि हर मूवी में हर एक्टर सुपरहिट की तलाश में होता है। वैसे उनके इसी कॉन्फिडेंस और स्ट्रगल की वजह से उनका परफॉर्मेंस अनिल को पसंद आया, और फिर देखी ब्यूटीफुल ऑडियंस को इमोशनली एंगेज वाली सकीना। अब अमीषा गदर 2 में नजर आएंगी एक अलग अंदाज में, और इस बार तो उनका सासू माँ का प्रमोशन तो फिक्स है, क्योंकि उनका छोटा जीते यानी उत्कर्ष शर्मा जवान हो गए हैं। वो भी अपनी माँ की तरह लाएंगे खूबसूरत हसीना। अब वो कौन होगी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये खबर? वैसे वो एक्ट्रेस कौन थी जिसने सकीना का किरदार ठुकराया, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।